अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। बाबुल इल्म अनवारिया एजुकेशनल सोसाइटी और जामिया अनवारिया के ज़ेर एहतमाम कुरान मजीद की तफसीर और हदीस शरीफ की मोतबर व मुस्तनद कुतुब और दीगर इस्लामी दीनी कुतुब की वीडियो रिकॉर्डिंग का सिलसिला जारी व सारी है अल्हम्दुलिल्लाह। उसी सिलसिले की एक सुनहरी कड़ी बुखारी शरीफ की मशहूर शरा नियामतुल बारी का सिलसिलेवार दर्स भी है अल्हम्दुलिल्लाह। आज की इस नशिस्त में हम वितर के बयान से आज की नशिस्त का आगाज़ करते हैं। सिलसिले में वितर का बयान शुरू करने के बाद एक बहस ये हुई कि वितर सुन्नत है या वाजिब, इसी तरह वितर की रकात के मुतालिक फुकहा का क्या मसलक है, एक रकात वितर है या तीन रकात है, एक सलाम के साथ तीन रकात है या दरमियान में फसल है। इसी तरह एक बहस है इसमें के वित्र में कुनूत पढ़ने का बयान। इस सिलसिले में मुख्तलिफ रिवायतें हैं। अब यहाँ एक मसला ये है कि रुकू से पहले दुआए कुनूत पढ़ना है या रुकू के बाद, इस सिलसिले में फुकहा के मज़ाहिब। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर 70 सहाबा किराम को, जो हफ्फाज़ किराम थे हाफिज़ कुरान थे, उन्हीं 70 अंसारी सहाबा को एक जगह रवाना किया था। उन लोगों ने, उन कबीले के लोगों ने सहाबा किराम को धोखे से जुल्मन शहीद कर दिया। जिन सहाबा को कुर्रा कहते थे, वो दिन में ज़रिए माश इख्तियार करते थे, लकड़ियां काटते थे, मेहनत मजदूरी करते थे और रात को नमाज़ पढ़ते थे। जब वो कुर्रा किराम बीर मऊना पहुँचे तो उन कबाइल ने, कबाइल रेल जकवान उसैया और बनू नहियान ने उन्हें शहीद कर दिया और अहद शिकनी की। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह इत्तला मिली तो आपने एक महीने तक फजर की नमाज में कुनूत नाजिला पढ़ी। आप बाज़ कबाइल अरब के ख़िलाफ़ आप बद्दुआ करते रहे। वो कबाइल अरब रेल रकवान उसैया और बरून यहयान थे। तो बहरहाल अब एक मसला ये है कि दुआए कुनूत रुकू से पहले कुनूत पढ़ा जाएगा या रुकू के बाद। अल्लामा अबुल हसन अली बिन खलफ इबन बत्ताल मालिकी शारह बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि लिखते हैं, अल्लामा इब्नुल मुंजिर ने कहा है कि कुनूत में इख्तलाफ है। फुकहाए सहाबा की एक जमात ने कहा कि दुआए कुनूत रुकू से पहले पढ़ी जाएगी। ये हज़रत उमर, हज़रत अली, हज़रत इब्ने मसूद, हज़रत अबू मूसा अशआरी, हज़रत बरा बिन आज़िब, हज़रत अनस और हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा का मसलक है। इब्ने अबी लैला मशहूर ताबाई हैं और इसहाक़ का भी यही मज़हब है। इब्ने अबी लैला और इसहाक़ का भी यही मसलक है। फुकहाए सहाबा की दूसरी जमात ने कहा कि रुकू के बाद कुनूत पढ़ी जाएगी। दुआए कुनूत रुकू के बाद पढ़ी जाएगी। यह हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान और हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हुम का मज़हब है। और हज़रत अनस ने कहा दुआए कुनूत रुकू से पहले भी पढ़ी जाती थी और रुकू के बाद भी, और यही इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि अलैह का कौल है। और अलमुदव्वना में एक किताब का नाम है फ़िक़्हे हम्बली में, अलमुदव्वना में मज़कूर है कि सुबह की नमाज में रुकू से पहले और रुकू के बाद दुआए कुनूत, अलमुदव्वना नामी फ़िक़्ही किताब में यह ज़िक्र है कि सुबह की नमाज में यानी फजर की नमाज में रुकू से पहले और रुकू के बाद दुआए कुनूत पढ़ने में गुंजाइश है। रुकू से पहले भी पढ़ी जा सकती है दुआए कुनूत और रुकू के बाद भी। और इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह के पास खुसूसियत के साथ रुकू से पहले दुआए कुनूत पढ़ना मुस्तहब है, बेहतर है। इमाम शाफई रहमतुल्लाहि अलैह के नज़दीक फजर की नमाज में कुनूत पढ़ना, दुआए कुनूत पढ़ना सुन्नत है, और जब मुसलमानों को हाजत हो, ज़रूरत हो, तो तमाम नमाजों में दुआए कुनूत पढ़ी जाए। इमाम तहावी ने कहा उनसे पहले किसी ने इस तरह की बात नहीं कही, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर तक, हयात तय्यबा के आखिर तक कुफार से जंग करते रहे, लड़ते रहे, और आपने नमाजों में कुनूत नहीं पढ़ी। फुकहाए सहाबा की और एक जमात ने यह कहा कि किसी फ़र्ज़ नमाज में दुआए कुनूत नहीं पढ़ी जाएगी। ये हज़रत उमर, हज़रत इब्ने मसूद, हज़रत इब्ने उमर, हज़रत इब्ने अब्बास और हज़रत इब्ने ज़ुबैर रज़ी अल्लाहु अन्हुम का मसलक है। और हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा ने कहा यह बिदअत है। और क़तादा और इब्राहिम ने कहा हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर ने फ़राइज़ में यानी फ़र्ज़ नमाज़ों में कुनूत नहीं पढ़ी, यहाँ तक कि वह दुनिया से रुख़सत हो गए।
अलकमा ने कहा, हज़रत अबू दर्दा रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कहा कि फ़जर की नमाज़ में दुआए कुनूत नहीं पढ़ी जाएगी। ताउस मशहूर ताबाई हैं, ताउस का भी इसी के मिसल कौल है, यानी ताउस भी यही कहते हैं कि फ़जर की नमाज़ में दुआए कुनूत नहीं पढ़ी जाएगी, और यही फ़ुकहाए कूफा और लैस बिन साद का कौल है। फ़ुकहाए कूफा ने कहा, दुआए कुनूत सिर्फ़ वित्र में पढ़ी जाएगी, वाजिबुल वित्र जो ईशा की नमाज़ के बाद पढ़ी जाती है उसी में सिर्फ दुआए कुनूत पढ़ी जाएगी। उनकी दलील ये है कि अबू मालिक अशजाई ने कहा, मैंने अपने वालिद से पूछा, आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान और हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हुम के पीछे नमाज़ पढ़ी है, क्या ये लोग कुनूत पढ़ते थे? तो उन्होंने कहा, नहीं ऐ मेरे बेटे, ये बिदात है, फ़र्ज नमाज़ों में दुआए कुनूत पढ़ना ये बिदात है। इमाम तबरी ने कहा, सही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस सही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्रा की शहादत पर 70 अंसारी सहाबा जो हाफिज़ कुरान भी थे उनकी शहादत पर एक माह या उससे ज़्यादा फ़र्ज नमाज में आपने कुनूत नाजिला पढ़ी, फिर उसको आपने तर्क कर दिया। एक ख़ास मौका था और फजर की नमाज में आपका कुनूत पढ़ना साबित है, और ये भी सही हदीस से साबित है कि आप हमेशा फजर की नमाज में कुनूत पढ़ते रहे यहाँ तक कि आप विसाल फरमाए। रबिया बयान करते हैं कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाहु अन्हु से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुनूत के मुतालिक पूछा गया कि क्या आपने एक महीना कुनूत पढ़ी है, कुनूत नाजिला पढ़ी है? तो उन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा कुनूत पढ़ते रहे यहाँ तक कि आप विसाल फरमाए। हमारे नज़दीक इन हदीसों में तआरुज़ नहीं है, कोई इख्तलाफ़ नहीं है, बज़ाहिर ये हदीसें एक दूसरे से नहीं टकराती, क्योंकि हम कहते हैं कि जब भी मुसलमानों पर ऐसी मुसीबत आई, जैसे बिर मौना में कुर्रा पर मुसीबत आई थी, जब मुसलमानों पर मुसीबत नाजिल हो, कोई मुसलमान जब किसी मुसीबत में गिरफ़्तार हो, तो उस वक़्त कुनूत पढ़ना मुस्तहब है, यहाँ तक कि मुसलमानों से वो मुसीबत, वो परेशानी दूर हो जाए, जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक़्त कुनूत पढ़ी थी, कुनूत नाजिला, जैसा कि रिवायतों में है कि आपने एक महीने तक इसका सिलसिला जारी रखा, उसके बाद आपने उसको तर्क कर दिया। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की है कि जब इन लोगों ने आकर तौबा की तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके ख़िलाफ़ बद्दुआ तर्क कर दी थी। और हज़रत अनस रज़ी अल्लाहु अन्हु ने रिवायत की है कि आपने एक महीने तक कुनूत नाजिला पढ़ी थी। इमाम तहावी ने अपनी सनद के साथ रिवायत की है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी किसी के हक़ में दुआ करते या किसी के ख़िलाफ़ बद्दुआ करते तो कुनूत पढ़ते। और अस्वद ने बयान किया कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु जब जंग करते तो कुनूत पढ़ते, और जब जंग नहीं करते तो कुनूत नहीं पढ़ते थे। इमाम तबरी ने कहा, अगरचे हम ये कहते हैं कि मुसीबत के वक़्त, मुसीबत के नाजिल होने के वक़्त, परेशानी के आने के वक्त कुनूत पढ़ना मुस्तहब है, लेकिन हम ये नहीं कहते कि अगर किसी ने अमदन जानते बूझते कुनूत छोड़ दिया तो उसकी नमाज़ फासिस हो जाएगी, ऐसा नहीं है, या उस पर सजदा सहू लाजिम आएगा, ये इस तरह नहीं है, क्योंकि इस पर मुसलमानों का इत्तेफाक है कि जिसने कुनूत छोड़ दिया तो उसकी नमाज़ फासिद नहीं होगी। अगर उसने कुनूत पढ़ी तो उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल के मुआफिक अमल किया, और अगर उसने कुनूत छोड़ दिया, तर्क किया, तो उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रुख्सत पर, यानी आपकी इजाज़त पर अमल किया कि कुनूत न पढ़ने की भी इजाज़त है, क्योंकि आप बसा औक़ात कुनूत पढ़ते थे और बसा औक़ात कुनूत नहीं पढ़ते थे। और इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को तालीम दी है कि उन्हें कुनूत के पढ़ने और न पढ़ने में इख्तियार है, जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू से पहले और रुकू के बाद बाज़ औक़ात रफ़े यदैन किया है, यानी दोनों हाथों को कानों तक उठाया है, और बाज़ औक़ात रफ़े यदैन नहीं किया। और जिस सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस वक्त जो अमल करते हुए देखा उसके मुताबिक उन्होंने ख़बर दी, और हर सहाबी सादिक हैं, सच्चे हैं। मुहल्लब ने कहा कि इमाम मालिक ने रुकू से पहले कुनूत पढ़ने को इख्तियार किया है। इमाम मालिक का मसलक ये है कि रुकू से पहले कुनूत पढ़ा जाए, उसकी वजह यह है कि नींद से बेदार होने वाले उस रकात को पा लें जिससे उनको नमाज मिल जाती है, इसी वजह से सुबह की नमाज में क़ियाम तवील होता है, क़िरात तवील की जाती है। दूसरे फ़ुकहा ने कहा, हज़रत अनस ने जो इस शख्स को झूठा कहा,
जिसने उनसे ये रिवायत की थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू के बाद कुनूत पढ़ते थे, क्योंकि उनके नज़दीक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा रुकू के बाद कुनूत नहीं पढ़ा था। सिर्फ़ एक माह आपने कुनूत पढ़ी थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा रुकू से पहले यानी रुकू में जाने से पहले कुनूत पढ़ी है। मुहल्लब ने कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये महफूज नहीं है ये हदीस कि आप मगरिब की नमाज़ में कुनूत पढ़ते रहे हैं, यानी ये साबित नहीं है कि आपने मगरिब की नमाज़ में कुनूत पढ़ा हो, बल्कि आपने इसको मगरिब में नहीं पढ़ा। अगर आपने मगरिब की नमाज़ में कुनूत को पढ़ा होता तो इसको बहुत सारे सहाबा इस अमल को नकल करते। हज़रत अबू बकर से रिवायत है कि वो मगरिब की तीसरी रकात में सूरह फातिहा पढ़ने के बाद कुनूत पढ़ते थे। इमाम शाफई ने इसको मुस्तहब कहा है, मगरिब की तीसरी रकात में कुनूत पढ़ने को आपने मुस्तहब करार दिया। इमाम मालिक ने कहा हमारा इस पर अमल नहीं है, क्योंकि ये रिवायत है कि लोग रमज़ान के वित्र में यानी रमज़ान में जो वित्र अदा करते थे उसमें कुफ्फार पर लानत करते थे। इमाम मालिक ने अल-मुदव्वना में कहा है, ये किताब का नाम है, अल-मुदव्वना में कहा है कि हमारा इस रिवायत पर अमल नहीं है। अल्लामा ग़ुलाम रसूल सईदी साहब कहते हैं कि अल्लामा इब्ने बत्ताल ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से क़ुनूत के मुतालिक मुतआरिज़ अक़वाल नकल किए हैं, यानी मुख्तलिफ़ अक़वाल नकल किए हैं। ये भी नकल किया है कि उनके नज़दीक रुकू से पहले दुआए क़ुनूत पढ़ी जाएगी, और ये भी नकल किया है कि उनके नज़दीक किसी फ़र्ज़ नमाज में दुआए क़ुनूत नहीं पढ़ी जाएगी। हो सकता है उनमें इस तरह तत्बीक हो, ये जो अलग अलग रिवायतें हैं उसमें तत्बीक की उन रिवायतों को जमा करने की ये सूरत हो सकती है कि जब मुसलमानों पर कोई मुसीबत नाजिल हो, कोई परेशानी आ जाए, नागहानी आफत आ जाए, तो रुकू से पहले दुआए क़ुनूत पढ़ी जाएगी, और जब वो मुसीबत दूर हो जाए तो फिर दुआए क़ुनूत नहीं पढ़ी जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि रुकू से पहले जो दुआए क़ुनूत पढ़ी जाती है वो एक ख़ास मौके पर पढ़ी जाती है, जैसे अगर मुसलमानों पर कोई इज्तिमाई मुसीबत आ जाए, तमाम मुसलमान किसी नागहानी आफत का शिकार हो जाएँ, तो ऐसे वक्त उस मुसीबत की दूरी के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआए क़ुनूत पढ़कर दुआ की जाती है। ये सिर्फ़ मुसलमानों पर इज्तिमाई मुसीबत के नाजिल होने के वक्त के साथ ख़ास है। रुकू से पहले दुआए क़ुनूत पढ़ने के मुतालिक अहादीस और आसार, अहनाफ का जो मसलक है कि रुकू से पहले दुआए क़ुनूत पढ़ी जाएगी, उस सिलसिले में अहादीस और आसार यानी सहाबा के अक़वाल पेश किए जा रहे हैं। इमाम अबू बकर अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन अबी शैबा अपनी सनद के साथ रिवायत करते हैं, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू से पहले दुआ क़ुनूत पढ़ते थे। मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा हदीस नंबर 6984। अस्वद बिन यजीद बयान करते हैं कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने रुकू से पहले वितर में दुआ क़ुनूत पढ़ी। मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा हदीस नंबर 6972। अब्दुर्रहमान बिन अस्वद अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि हज़रत इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु वितर में रुकू से पहले दुआ क़ुनूत पढ़ते थे। मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा हदीस नंबर 6975। अस्वद बयान करते हैं कि हज़रत इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु वितर के सिवा किसी नमाज में क़ुनूत नहीं पढ़ते थे, और वितर में भी रुकू से पहले दुआ क़ुनूत पढ़ा करते थे। मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा हदीस नंबर 6986। इब्राहिम बयान करते हैं कि अस्वद वितर में रुकू से पहले दुआए क़ुनूत पढ़ते थे। मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा हदीस नंबर 6979। इस्माइल बिन अब्दुल मलिक बयान करते हैं कि सईद बिन जुबैर ये मशहूर ताबाई हैं, ये भी वितर में रुकू से पहले दुआए क़ुनूत पढ़ते थे। अलकमा बयान करते हैं कि हज़रत इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीगर असहाब यानी और दूसरे सहाबा वितर में रुकू से पहले क़ुनूत पढ़ते थे। मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा हदीस नंबर 6983। इमाम इब्ने अबी शैबा ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से ये भी रिवायत की है कि वो वितर के बाद क़ुनूत पढ़ते थे। हदीस नंबर 6983 का महमल यानी उसकी ये तौजीह हो सकती है कि फजर की नमाज के मुतालिक और रुकू से पहले क़ुनूत पढ़ना वितर के मुतालिक है, यानी वितर की नमाज में तो रुकू से पहले क़ुनूत पढ़ते थे, अलबत्ता जब मुसलमानों पर कोई इज्तिमाई मुसीबत नाजिल होती तो उस मौके पर फजर की नमाज में रुकू में जाने से पहले वितर पढ़ा दुआए क़ुनूत पढ़ा करते थे। दुआए क़ुनूत के मुतालिक अहादीस, अनिल हसन इब्न अली क़ाल अल्लमनी जद्दी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलिमातिन अक़ूलुहुन्ना फ़ी क़ुनूतिल वित्र, अल्लाहुम्मा हदिनी फ़ीमन हदैत व आफ़िनी फ़ीमन आफ़ैत व तवल्लनी फ़ीमन तवल्लैत व बारिकली फ़ीमा अअतैत
وقینی شرما قضیت فإنک تقضی ولا یقضا علیک انہ لا یذل من والیت تبارک ربنا و تعالیت۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، یعنی امام حسن رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میرے نانا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چند کلمات کی تعلیم دی، آپ نے مجھے چند کلمات سکھلائے جن کو میں وتر کے قنوت میں پڑھتا ہوں۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ اللہم اہدنی فیمن ہدیت، اے اللہ مجھے ان میں ہدایت دے جن کو تو نے ہدایت دی ہے، یعنی جن کو تو نے ہدایت عطا کی ہے مجھے ان لوگوں میں ہدایت پر ثابت قدم رکھ، اور مجھے ان میں عافیت سے رکھ، تمام آفتوں اور مصیبتوں سے محفوظ رکھ جن کو تو نے عافیت سے رکھا ہے، اور مجھے ان میں محبت سے رکھ اور میری نگرانی فرما جن کی تو نے نگرانی فرمائی ہے، جن سے تو نے محبت کی ہے، اور تو نے مجھ کو جو کچھ عطا کیا ہے اس میں مجھے برکت عطا فرما، اور جن چیزوں کو تو نے مقدر کیا ہے، مقرر کیا ہے، تقدیر میں لکھ دیا ہے، مجھے ان کے شر سے محفوظ رکھ، بے شک تو حکم دیتا ہے اور تجھ پر کوئی حکم نہیں لگایا جا سکتا، یعنی تجھ کو حکم نہیں دیا جا سکتا، اور جس کا تو والی ہو، سرپرست ہو، نگران کار ہو، جس کا تو محافظ ہو، وہ رسوا نہیں ہوتا۔ اے ہمارے پروردگار، تو برکت والا ہے اور تو بلندی والا ہے۔ دعائے قنوت کی دوسری حدیث یہ ہے، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس دعائے قنوت کو اختیار کیا، اللہم اہدنی فیمن ہدیت، اور احناف جو دعائے قنوت پڑھتے ہیں وہ دوسری حدیث یہ ہے۔ حدثنا ابن فضیل عن عطاء ابن السائب عن ابی عبد الرحمن قال علمنا ابن مسعود ان نقرا فی القنوت اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونثنی علیک الخیر ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ نَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخْشَى عَذَابَكَ إِنَّ عَذَابَكَ الْجِدَّ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقُ۔ یہ دعا اس عبارت سے بھی مروی ہے، ان عبید بن عمیر قال صلیت خلف عمر بن الخطاب الغداۃ فقال فی قنوته اللهم انا نستعینک ونستغفرک ونثنی علیک الخیر ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللهم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدْ نَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخْشَى عَذَابَكَ إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقُ۔ عبید بن عمیر بیان کرتے ہیں، میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پیچھے فجر کی نماز ادا کی، انہوں نے اپنے قنوت میں پڑھا، وہ دعائے قنوت کیا تھا جس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں اور تجھی سے مغفرت طلب کرتے ہیں اور نیکی کے ساتھ، خیر اور بھلائی کے ساتھ تیری تعریف کرتے ہیں اور تیری ناشکری نہیں کرتے، اور جو تیری نافرمانی کرے ہم اس سے قطع تعلق کرتے ہیں اور اس کو چھوڑ دیتے ہیں، یعنی اس سے علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے لیے ہی نماز پڑھتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں اور تیری ہی طرف دوڑتے ہیں اور تیری ہی اطاعت کرتے ہیں اور تیری ہی رحمت کی ہم امید رکھتے ہیں، ہم تیری ہی رحمت کے امیدوار ہیں اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں، بے شک تیرا عذاب کافروں کو ملنے والا ہے۔ یہ قنوت حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے۔ حدیث نمبر 1003، حدثنا احمد بن یونس، جی کوئی کتاب کا نام دیا، کون سی کتاب میں؟ یہ مصنف ابن ابی شیبہ، حدیث نمبر 7102۔ مختلف روایتیں ہیں اور مختلف الفاظ ہیں، احناف کے پاس جو دعائے قنوت پڑھا جاتا ہے وہ ہے اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد وإلیک نسعى ونحفد ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ یہ دعائے قنوت احناف کے پاس پڑھا جاتا ہے اور امام شافعی کے پاس اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت والا دعائے قنوت امام شافعی نے اختیار کیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو دعائے قنوت ہے وہ کس صحابی سے روایت ہے اس کا ذکر؟ وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود نے سکھایا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی وہی دعائے قنوت پڑھا ہے۔ اور یہ جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا دعائے قنوت، یہ کس سے مروی ہے؟ یہ حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہما، حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سکھایا۔ بہرحال مختلف روایتیں ہیں، مگر میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ دعائے قنوت
या तो इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का भी पढ़ा जा सकता है उसमें, मतलब ज़रूरी नहीं है कि वही पढ़ें, बेहतर अफजल है कि वो पढ़ें जी, मगर चाहे तो दुआए खुनूत ये भी पढ़ सकते हैं। ये भी पढ़ सकते हैं अहनाफ के पास, चूँकि अकाबिर सहाबा जो पढ़े हैं जैसे हज़रत उमर है, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद है, और ख़ुद हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु से भी ये दुआए खुनूत मरवी है, इसीलिए इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैहि ने इस दुआए खुनूत को वितर में पढ़ने के लिए आपने इख्तियार किया है। अलबत्ता अगर मुसलमानों पर कोई इज्तिमाई मुसीबत नाजिल हो जाए तो उस मौके पर अहनाफ के पास भी इजाज़त दी गई है कि फ़जर की नमाज में रुकू से पहले दुआए कुनूत यानी कुनूत नाजिला पढ़ी जा सकती है। उसमें मुख्तलिफ अरबी में जो दुआएँ हैं कुफ़ार के ख़िलाफ़ उनकी हलाकत के लिए और मुसलमानों की हिफाजत के लिए दुआएँ पढ़ी जा सकती हैं। हदीस नंबर 1003, हदसना अहमद बिन यूनुस कौला हदसना ज़ाइदत अन तैमी अन अबी मिजलज़ी अन अनस कौला क़नतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अश्शहरन यदउ अला रिअलिन व ज़कवान। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि रिवायत करते हैं, हमें अहमद बिन यूनुस ने हदीस बयान की, उन्होंने कहा हमें ज़ायदा ने हदीस बयान की तैमी से व अबी मिजलज़ से, उन्होंने हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया। बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक महीना कुनूत पढ़ी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबीले रेल और ज़कवान के ख़िलाफ़ बददुआ करते थे। जो अभी वाक़िया गुज़रा बिर मऊना के पास 70 हुफ्फाज़ सहाबा को धोखे से शहीद कर दिया गया था, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन लोगों ने अहद शिकनी की धोखा दिया था उनके ख़िलाफ़ आपने एक महीना फ़जर की नमाज़ में कुनूत नाज़िला पढ़ी, उनके ख़िलाफ़ बददुआ करते रहे। इस हदीस की तशरीह हदीस नंबर 1001 में गुजर चुकी। हदीस नंबर 1004, हदसना मुसद्दुन क़ाला हदसना इस्माइल क़ाला हदसना खालिदुन नबी क़िलाबतान अनस क़ाल कानल क़ुनूतु फ़िल मग़रिबी वल फ़ज्र। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि रिवायत करते हैं, हमें मुसद्दद ने हदीस बयान की, उन्होंने कहा हमें इस्माइल ने हदीस बयान की, उन्होंने कहा हमें खालिद ने हदीस बयान की अबू क़िलाबा से व हज़रत अनस रज़ी अल्लाहु अन्हु से, उन्होंने फ़रमाया क़ुनूत मग़रिब और फ़जर में थी, यानी क़ुनूत मग़रिब और फ़जर की नमाज़ में पढ़ी गई कुनूत नाजिला, उन कबाइल के ख़िलाफ़ बददुआ की गई। इस हदीस की तशरीह हदीस नंबर 798 में गुजर चुकी। सुबह की नमाज में दुआए कुनूत न पढ़ने के मुतालिक अहादीस आसार और फ़ुकहाए ताबईन के अक़वाल। अहनाफ के पास वितर की तीसरी रकात में दुआए कुनूत रुकू से पहले है, और शवाफे के पास फजर की नमाज में दुआए कुनूत रुकू के बाद है दूसरी रकात के। तो इस सिलसिले में फजर की नमाज़ में दुआए कुनूत नहीं पढ़ना है, अहनाफ के दलायल बयान कर रहे हैं इमाम अबू बकर अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन अबी शैबा यानी मुसन्निफ़ इब्ने अबी शैबा के मुसन्निफ़ अपनी सनद के साथ रिवायत करते हैं। अबू मालिक अशदाई रिवायत करते हैं, मैंने अपने वालिद से कहा ए मेरे वालिद, आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इख्तिदा में नमाज़ पढ़ी, और हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर और हज़रत उस्मान की इख्तिदा में नमाज़ पढ़ी है, यानी आपने ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज़ अदा की और खुलफ़ाए राशिदीन के पीछे नमाज़ अदा की, क्या आपने उनमें से किसी को देखा कि वो नमाज़ में दुआए कुनूत पढ़ते थे? तो उन्होंने कहा ए मेरे बेटे, ये बिदात है, यानी दीगर फ़राइज़ में कुनूत पढ़ना ये बिदात है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुलफ़ाए राशिदीन नहीं पढ़ते थे, सिर्फ़ वितर की तीसरी रकात में दुआए कुनूत पढ़ते थे। मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा हदीस नंबर 7034। अम्र बिन मैमून बयान करते हैं, शाफ़ी हज़रत के पास फजर में है दुआए कुनूत, फजर की दूसरी रकात के रुकू के बाद है। अम्र बिन मैमून बयान करते हैं कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फजर की नमाज़ में दुआए कुनूत नहीं पढ़ी। अरफजा बयान करते हैं कि हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हु फजर की नमाज़ में दुआए कुनूत नहीं पढ़ते थे। सईद बिन जुबैर मशहूर ताबई हैं ये, सईद बिन जुबैर बयान करते हैं कि हज़रत इब्ने अब्बास और हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुम फजर की नमाज़ में कुनूत नहीं पढ़ते थे। मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा हदीस नंबर 7043। अम्र बिन दिनार बयान करते हैं कि हज़रत इब्ने ज़ुबैर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फजर की नमाज़ पढ़ाई और कुनूत नहीं पढ़ी। मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा ना हदीस नंबर 7044। तलहा बयान करते हैं कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फजर की नमाज़ में दुआए कुनूत नहीं पढ़ी। मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा हदीस नंबर 7047। हज़रत अनस रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक महीना कुनूत पढ़ी, आप उन लोगों के ख़िलाफ़ बददुआ करते थे जिन्होंने आपके उन असहाब को शहीद कर दिया था जिनको कुर्रा यानी हाफिज़ कहा जाता था, हफ्फाज कहा जाता था। मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा हदीस नंबर 7054। अबू बिश्र ने कहा सईद बिन जुबैर, ये अपने वक्त के बड़े ताबाई हैं,
फजर की नमाज़ में आप कुनूत नहीं पढ़ते थे। मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा हदीस नंबर 7058। उबैदुल्लाह और सुलेमान ने कहा इब्राहिम नखाई इमाम थे, इमामत करते थे और फजर की नमाज़ में आप कुनूत नहीं पढ़ते थे। ये इमाम आज़म अबू हनीफा के भी दादा उस्ताद हैं, इब्राहिम नखाई हम्माद के उस्ताद हैं और हज़रत हम्माद इमाम आज़म अबू हनीफा के उस्ताद हैं। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा हदीस नंबर 7067। बहरहाल अहादीस शरीफा और आसार यानी सहाबा के अकवाल से और मशहूर जो फ़ुकहाए ताबईन हैं उनके अकवाल से साबित है कि वो लोग फजर की नमाज़ में कुनूत नहीं पढ़ते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुनूत पढ़ा है वो एक ख़ास मौके पर था, उसके बाद फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक महीने के बाद फजर की नमाज़ में कुनूत को तर्क कर दिया। फजर और मगरिब की नमाज़ में दुआए कुनूत पढ़ने के मुतालिक अइमा के मज़ाहिब। फजर और मगरिब की नमाज़ में क्या दुआए कुनूत पढ़ी जा सकती है या नहीं? अल्लामा बदरुद्दीन महमूद बिन अहमद आइनी हनफ़ी लिखते हैं इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, इमाम अबू यूसुफ़, इमाम मोहम्मद, इमाम अब्दुल्ला बिन मुबारक, इमाम अहमद, इमाम इसहाक़ और लैस बिन साद फ़र्ज़ नमाज में कुनूत पढ़ने को जायज़ नहीं करार देते थे। ये अइमा की बार के पास फ़र्ज़ नमाज में कुनूत पढ़ने की इजाज़त नहीं है, जायज़ नहीं है। और जिन अहादीस में फजर और मगरिब की नमाज़ में कुनूत पढ़ने का जिक्र है वो इस आयत से मंसूख हैं। वो आयत क्या है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, लैसा लकुम मिनल अम्रि शैउन औ यतूबा अलैहिम औ युअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम ज़ालिमून, सूरह आले इमरान आयत नंबर 128। इसमें आपका कोई इख्तियार नहीं कि अल्लाह उनकी तौबा कबूल फ़रमाए या उनको अज़ाब दे, क्योंकि यकीनन वो ज़ालिम हैं। यानी आप उनके ख़िलाफ़ बद्दुआ मत कीजिए, अल्लाह को इख्तियार है, अल्लाह चाहे तो उनकी तौबा कबूल कर ले, उनको तौबा की तौफीक दे, या फिर उनको अज़ाब में मुब्तला करे, क्योंकि उन्होंने जो अहद शिकनी की और खुर्रा सहाबा को जुल्मन शहीद कर दिया जिसकी वजह से वो ज़ालिम करार पाए। इस बहस में शरह सही मुस्लिम के उनवान हसब ज़ैल हैं। सही मुस्लिम में भी इस हदीस की शरह की गई है और उसमें इस तरह उनवानात क़ायम किए गए। कुनूत नाज़िला पढ़ने का महल और इसका इस्तेहबाब, यानी कुनूत नाज़िला कब पढ़ना चाहिए और वो मुस्तहब है या नहीं। दूसरी बात, कुनूत नाज़िला के अल्फाज क्या हैं। नंबर तीन, कुनूत नाज़िला में मज़ाहिब फ़ुकहा के। नंबर चार, अहनाफ का मज़हब। नंबर पाँच, अहनाफ के दलाइल। नंबर छः, बाज़ शारिहिन का तसामुह, यानी बाज़ जो हदीस की शरह करने वाले हैं उनसे जो भूल चुक हो गई है उस हदीस की शरह में उसका ज़िक्र है। फिर नंबर सात, कुनूत नाज़िला इज्तिहादी है। नंबर आठ, मुताखिरीन अहनाफ, अहनाफ के जो फ़ुकहाए मुताखिरीन हैं, बाद वाले फ़ुकहा हैं, उनका क्या मौक़िफ़ है। नंबर नौ, ज़िंदा काफिरों के लिए लानत का अदम जवाज़, यानी जो काफिर ज़िंदा हैं उन पर लानत करना जायज़ नहीं है। नंबर दस, कुनूत फ़जर में मज़ाहिब, यानी कुनूत नाज़िला फ़जर में पढ़ी जाएगी या नहीं, इस सिलसिले में फ़ुकहा के क्या मसालिक हैं। नंबर 11, शाफिया और मालिकिया का इस्तिलाल और उसका जवाब, यानी शाफिया और मालिकी मज़हब के जो लोग हैं उनके जो दलाइल हैं, फिर अहनाफ की तरफ से उन दलाइल का जवाब। नंबर 12, लैसा लकुम मिनल अम्रि शैउन, सूरह आले इमरान आयत नंबर 128 की तहकीक, कि ये आयत कब नाजिल हुई, इसका पस मंज़र क्या है। नंबर 13, असहाब बिर मऊना, मऊना एक कुएँ का नाम है, बिर मऊना के असहाब से ये लोग मशहूर हो गए। बिर मऊना के पास इनको जो जुल्मन शहीद कर दिया गया था 70 अंसारी सहाबा को, तो असहाब बिर मऊना के नाम से कौनवान बनाया गया। नंबर 14, इल्म रिसालत पर एतराज़ का जवाब, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म पर जो एतराज़ किया गया उसका भी तशफ़ी बख्श जवाब दिया गया। नंबर 15, मुनकरीन हदीस के एतराज़ का जवाब, मुनकरीन हदीस जो एतराज़ करते हैं उस एतराज़ का भी वहाँ जायज़ा लिया गया और उसका जवाब दिया गया। ये बहस शरह सही मुस्लिम जिल्द 2 सफ़ा 314 से लेकर 332 तक मज़कूर है, ज़िक्र की गई है। अल्लामा ग़ुलाम रसूल सईदी साहब ने शरह सही मुस्लिम में भी इसकी शरह की है और ये उनवानात क़ायम करके इसके सिलसिले में तफसीली वहाँ पर उन्होंने बहस की है। मतलब ये है कि मुफ्ती साहब, यानी जो सही मुस्लिम में आपने जो तफसील से जिक्र कर दिया है, हाँ, तो इसलिए वहाँ करने की वजह से यहाँ पर वो जिक्र नहीं किए जी। अच्छा, अगर कोई जानना चाहते हैं तो फिर वो शरह सही मुस्लिम जो जामे अनवारिया के जेर अहतमाम रिकॉर्डिंग करवाई जा चुकी है जी, फिर वो सही मुस्लिम सीरीज वो देख लें जी। जिल नंबर 2 सफ़ा नंबर 314 तक 332 उसका भी जिक्र किए हैं। दूसरी जिल के सफ़ा 314 से 332 तक तकरीबन
19-20 सफ़हात पर फैली हुई ये मुहित बहस है। किताबुल वित्र का अख्तिताम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिही व असहाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रियतिही व उम्मतिही अजमाइन। हज़रत फरमाते हैं, आज 4 रबीउल अव्वल 1427 हिजरी मुताबिक 24 मार्च 2007 को किताबुल वित्र की शरह ख़त्म हो गई। मुताबिक 24 मार्च 2007 को किताबुल वित्र की शरह ख़त्म हुई। इलाहल आलमीन इस तहरीर को कबूल फरमा और इस किताब को मुकम्मल फरमा दे, और मेरी और मेरे वालिदैन की, मेरे असातिज़ा और तलामिज़ा की, मेरे मुहिब्बीन यानी मेरे चाहने वाले और कारीन इस किताब का मुताला करने और पढ़ने वालों की मगफिरत फरमा। और जाने वाले के बानी और उनकी आल औलाद। इसी तरह मौला जो जामिया अनवारिया कायम फरमाए हैं उसके बानी और उनके आल व औलाद सबकी मगफिरत फरमा, सबकी उम्र व इकबाल में तरक्की अता फरमा और सबकी परेशानी और तकालीफ़ का खातिमा फरमा। सबको तमाम नागहानी आफतों और मुसीबतों से महफूज रख। हर तरह की जिस्मानी और रूहानी बीमारियों से शिफा कुल्ली अता फरमा। वसल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमाइन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।